हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दूसरा लेक्चर है उसका। पहले में हमने इंट्रोडक्शन ऐसे ही देखा था, अब हम देखेंगे इसमें जो हार्ट होता है, हार्ट का थोड़ा बहुत मैंने आपको जनरल पॉइंट्स बताए थे। आज हम देखेंगे एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ हार्ट, ये होता कहाँ पर है एनाटॉमिकली। अच्छा, तो कहाँ पर होता है? मिडल मीडियास्टिनम में होता है। मिडल मीडियास्टिनम, लेटरल मीडियास्टिनम में क्या होते हैं, मतलब लेटरल साइड जो होते हैं उसमें हमारे लंग्स होते हैं, प्लूरल कैविटीज़ होती है, उसमें हमारे लंग्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मिडल मीडियास्टिनम हमारा हार्ट होता है, तो ये लंग्स के दरमियान होता है। अच्छा, इसके पार्ट्स की बात करें तो इसका अपेक्स होता है। अपेक्स कहाँ पर होता है? डाउनवर्ड्स, अपेक्स नीचे की ओर होता है, फॉरवर्ड्स नीचे होता है, थोड़ा आगे होता है, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, जस्ट मीडियन टू सबक्लेवियन लाइन, जो सबक्लेवियन लाइन होता है उसके मीडियन साइड से, लेफ्ट साइड और मीडियन साइड टू सबक्लेवियन लाइन, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, मतलब जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होती है ना, वहाँ पर हमारा क्या होता है, हार्ट का अपेक्स होता है। कहाँ पर? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। अच्छा, बेस की बात करें, बेस लाइज अपवर्ड्स, बेस जो होती है वो अपवर्ड्स होती है, ऊपर की ओर होती है, अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स, ऊपर और पीछे की ओर, ऊपर और पीछे की ओर, और राइट साइड, राइट साइड को, जो राइट साइड का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो पीछे वाला, ऊपर वाला पीछे वाला, राइट साइड का कहाँ से कहाँ तक? थर्ड राइट कॉस्टल कॉटलेज तक, एक्सटेंडिंग टू थर्ड राइट कॉस्टल कॉटलेज, ये राइट है, राइट कॉस्टल कॉटलेज तक। तो ये समझ में आ गया होगा। बेस कहाँ पर होता है? मतलब अपर साइड में होता है, जो अपर पार्ट होता है वहाँ पर होता है, अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स में, अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स, थोड़ा ऊपर पीछे की ओर होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? ये थर्ड राइट कॉस्टल कॉटलेज तक होता है। चलो, इसके बाद देखेंगे हम लेयर्स ऑफ हार्ट। तो लेयर्स ऑफ हार्ट कितनी होती है? तीन लेयर्स ऑफ हार्ट होती है। कितने होती है? तीन लेयर्स ऑफ हार्ट होती है। क्या क्या होती है? आउटर जो होती है हमारी पेरिकार्डियम होती है, आउटर वाली पेरिकार्डियम होती है, आउटर वाली कौन होती है हमारी? पेरिकार्डियम होती है। और मिडल वाली क्या है हमारी? मायोकार्डियम। और इनर वाली कौन है? एंडोकार्डियम। आउटर वाली पेरिकार्डियम, मिडल वाली मायोकार्डियम, इनर वाली एंडोकार्डियम, तीन लेयर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, अरे तुम भी बोलो यार, एंडोकार्डियम, बाहर वाली पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। हमेशा जब भी कोई टफ टर्म आती होगी ना, वो रिवाइज़ किया करो, वही जहाँ पर पढ़ते हो ना वही पर रिवाइज़ किया करो, ऐसे याद रहता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इसके बाद हम पहली वाली देखेंगे, क्या है हमारी? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है वो देखेंगे। पेरिकार्डियम हमारी आउटर कवरिंग होती है, मेड ऑफ टू लेयर्स, ये दो लेयर्स की बनी हुई होती है, एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, सॉरी यहाँ पर पेरिटोनियम नहीं, पेरिकार्डियम कहेंगे। एक बाहर वाली होती है पेराइटल पेरिकार्डियम, जो कि क्या होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक अराउंड हार्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव हार्ट बनाती है, जो हार्ट के बाहर वाली साइड क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक बनाती है, एक बैलून टाइप बनाती है, उतना बड़ा नहीं, छोटा ही होता है, इसके साथ ही तो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका। और जो दूसरी इनर वाली होती है वो विसरल पेरिकार्डियम होती है, इनर विसरल पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, इसी को हम कहते हैं एपिकार्डियम, दैट कवर्स मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम को के साथ होती है, मायोकार्डियम के साथ होती है। तो अब मायोकार्डियम, बिटवीन देम इज स्पेस, इनके इन दोनों के दरमियान स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, विच कंटेन्स थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड, उसमें थोड़ा फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन प्रिवेंट करता है, ऐसे ही। अच्छा, इसके बाद हमारा मायोकार्डियम आया। तो मायोकार्डियम की बात करें, मायोकार्डियम क्या होता है, मिडल लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है, किसकी बनी हुई होती है, मसल फाइबर्स की, मिडल लेयर होती है, मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है, तो यही ज़्यादातर बनाते हैं हमारे हार्ट का, बल्क ऑफ हार्ट यही बनाते हैं हमारे मायोकार्डियम, क्या बनाते हैं हमारे, बल्क ऑफ हार्ट बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग, पंपिंग के लिए भी यही रोल प्ले करते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर पंपिंग द ब्लड। अच्छा, फॉर्मड बाय थ्री टाइप्स ऑफ कॉर्डिक मसल्स, कॉर्डिक मसल फाइबर्स तीन टाइप्स के होते हैं जिससे ये बनी हुई होती है, मायोकार्डियम तीन टाइप्स ऑफ कॉर्डिक मसल फाइबर्स की बनी हुई होती है। पहला वाला मसल फाइबर, मसल फाइबर विच फॉर्म कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, ये बनाते हैं हमारे कंट्रैक्टाइल यूनिट को, पहला वाला जो मसल फाइबर होते हैं ना, क्या बनाते हैं हमारे, कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट। दूसरा वाला जो मसल फाइबर होता है वो क्या बनाते हैं, पेसमेकर हमारे बनाते हैं, पेसमेकर। तीसरा वाला जो है पेसमेकर होता है यार, इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ हार्ट,
अच्छा जो तीसरे होती है मसल फाइबर्स विच फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम, ये कंडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, मतलब जो फिर वो इम्पल्स आगे ले जाते हैं। पेस मेकर्स में आते हैं वो SA नोड, AV नोड, साइनोएट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, आपको सब पता है यार, आप पढ़ के आते हो, बस बताते नहीं हो। इसके बाद हम देखेंगे मसल फाइबर्स विच फॉर्म कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ हार्ट, पहले हम उसकी बात करेंगे। देखो यार, इट फॉर्म्स बालक का हार्ट, ये बनाते हैं बालक, ज़्यादातर यही होते हैं। अच्छा, कार्डियक मसल्स इज स्ट्रिएटेड फाइबर्स, ये स्ट्रिएटेड होते हैं, हमने पढ़ा है। कार्डियक मसल्स इज स्ट्रिएटेड फाइबर्स ऑफ सिमिलर टू स्केलेटल मसल, सिमिलर टू स्केलेटल मसल होते हैं, जैसे वो स्ट्रिएटेड होते हैं ये भी स्ट्रिएटेड होते हैं, जैसे वो स्ट्रिएटेड होते हैं ना स्केलेटल मसल, वैसे ये भी स्ट्रिएटेड होते हैं, स्ट्रक्चर में ये उनके जैसे होते हैं। लेकिन कार्डियक मसल क्या होती है, कार्डियक मसल जो होती है इनवॉलेंट्री होती है, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो वॉलेंट्री होती है। और कार्डिक मसल्स क्या होती है, ये ब्रांचड होती है, कार्डिक मसल ब्रांचड होती है, स्केलेटल मसल ब्रांचड नहीं होती है, कार्डिक मसल ब्रांचड होती है। कार्डिक मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है और ब्रांचड होती है। तो ये था हमारा कंडक्टिव सिस्टम का, कंट्रैक्टाइल सिस्टम का। अब हम देखेंगे पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर जो बनाते हैं वो होते हैं स्पेशलाइज्ड मसल स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड मसल स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड मसल स्ट्रक्चर, क्या करते हैं पेस मेकर बनाते हैं। दीज मसल्स हैज लेस सिट्रेशन, इनमें लेस सिट्रेशंस होते हैं, लेस सिट्रेशंस होते हैं। इसके बाद पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर जनरेट्स हार्ट बीट, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये बनाता है, इलेक्ट्रिकल करंट जिसकी वजह से हार्ट बीट जनरेट होती है या इम्पल्स होता है। तो फॉर्मड बाई पेस मेकर सेल्स, किसका बना होता है ये, पेस मेकर सेल्स का, जिनको हम पी सेल्स भी कहते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं पेस मेकर, एक SA नोड होता है, दूसरा AV नोड होता है। SA मतलब साइनो आर्टेरियल नोड, AV मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये इनमें मेन होता है, मतलब जो असल में होता है अपना काम करता है, ये उसके जस्ट सपोर्ट के लिए होता है, जस्ट सपोर्ट, असल में काम ये करता है, ये सपोर्ट के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, मतलब ये हमारा जनरेटर होता है, ये मान लो इन्वर्टर, इसके साथ में जनरेटर पता ही है मेन होता है, इन्वर्टर फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, इसके बाद हमारे मसल फाइबर्स फॉर्म कंडक्टिव सिस्टम, अब कंडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जो कंडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। इम्पल्सिस फ्रॉम SA नोड टू एट्रिया, देखो SA नोड टू एट्रिया ये डायरेक्टली जाते हैं, ना ऐसे ही जाते हैं उड़ के, डायरेक्टली यार डायरेक्टली जाते हैं। फ्रॉम SA नोड टू वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स तक ले जाना होता है, मतलब एट्रिया तक तो ऐसे ही जाते हैं, मतलब ऐसे इसका पावर होता है SA नोड का, ऐसे ही कंडक्ट करवाती है। लेकिन वेंट्रिकल थोड़े दूर पड़ते हैं ना, तो वहाँ तक भेजने के लिए इसको कंडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक स्पेशल वो भी होती है, मसल फाइबर्स ही होते हैं लेकिन वो थोड़े स्पेशल होती है, जो कि कंडक्टिव कंडक्शन में मदद करते हैं, पुरकेंजी टाइप वो आगे पढ़ेंगे। अभी डरो मत यार, अभी इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ो, आगे हमने बहुत पढ़ना है अभी। अच्छा, एंडोकार्डियम, अब एंडोकार्डियम होती है जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये थिन होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है, मतलब स्मूथ होती है, फॉर्म स्मूथ मसल्स की नहीं, कार्डिक मसल्स की बनी होती है लेकिन स्मूथ होती है। फॉर्मड बाई सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है सिंगल लेयर की, कंटिन्यूस विद ब्लड वेसल्स, इसके साथ फिर अंदर से ब्लड वेसल्स होती है, मतलब ब्लड ब्लड के साथ इसका कनेक्ट होता है। तो ये था हमारा लेयर्स ऑफ कार्डिया, मतलब हार्ट के लेयर्स। अब हम इसके बाद देखेंगे दूसरा, तो गाइज अब हम देखेंगे रिलेशंस, रिलेशंस ऑफ हार्ट, हार्ट के रिलेशंस देखिए, मतलब इसके आजू बाजू में क्या होता है, ऊपर नीचे क्या होता है। देखो पहले सुपीरियरली ऊपर से क्या होता है हार्ट को वो देखेंगे, ऊपर से पहले आयोटा होता है, आयोटा होता है, सुपीरियर वेना कावा होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, ये चार होते हैं। आयोटा होता है, सुपीरियर वेन वेना कावा होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है और पल्मोनरी वेन होती है, ये ऊपर से होती है। अब इन्फीरियरली नीचे से क्या होता है, अपेक्स ऑन सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, मतलब डायफ्राम होता है ये याद रखो, डायफ्राम सेंट्रल टेंडन, अभी आपने समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप डायफ्राम याद रखो, किस पर होती है, अपेक्स किस पे होता है, डायफ्राम पे होता है, मतलब नीचे से डायफ्राम होता है। एंटीरियरली आगे से क्या होता है, आगे से रिब्स होती है,
और इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स आगे से होती हैं। पीछे से अगर बात करें, पीछे से क्या होता है, तो पीछे से क्या होता है, हमारा ईसोफेगस होता है, पीछे से ईसोफेगस होता है, हमारा ट्राइकिया होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस होता है, और लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस होता है, और डिसेंडिंग आयोटा होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है, सॉरी DSCNDING होता है, तो डिसेंडिंग आयोटा, इन्फीरियर वेना कावा कहाँ से, पोस्टीरियर से। देखो ये जो इन्फीरियर वेना कावा है ना, पीछे से एंटर होता है, सुपीरियर ऊपर से होता है। इसी तरह थोरेसिक वर्टिब्रे भी पीछे से होती है। लेटरली बात करें मतलब साइड में क्या होता है, तो साइड में इसको हमारे लंग्स कवर करते हैं। इसके बाद एक्सटीरियर ऑफ हार्ट, हार्ट की बाहर की अगर बात करें क्या क्या होता है, अब हम वो देखेंगे। डायग्राम देखोगे, चल दिखाता हूँ। देखो गाइज ये होती है डायग्राम, ये देखो ये जो लेटरली आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारे लंग्स होते हैं, ये एक लंग्स, ये दूसरा लंग, ये हमारा हार्ट होता है, ये हमारा हार्ट होता है, ये इसका अपेक्स होता है, और क्या दिखाऊँ आपको, ये देखो ये हमारा आयोटा होता है, आयोटा ऊपर से होता है ना। इसी तरह ये पल्मोनरी आर्टरी ऊपर से होती है, पल्मोनरी वेन भी ऊपर से होती है, ये देखो ये हमारे नीचे से आयोटा नीचे की ओर जा रहा है, ये हार्ट के पीछे से नीचे जाता है। फिर इसी तरह इन्फीरियर वेना कावा नीचे से आता है और पोस्टीरियर साइड से इसमें इंटर होता है। इसी तरह आगे से इसके रिब्स होते हैं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, साइड से इसमें वो यहाँ पर नहीं दिखेगा, कोई और डायग्राम फिर मैं दिखा दूँगा आपको, फिलहाल आप इतना देख लो। तो गाइज अब हम देखेंगे एक्सटीरियर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के बाहर वाले पॉइंट देखेंगे, एक्सटीरियर सरफेस के पॉइंट देखेंगे। देखो पहले हमारी बेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस हमारी बेस होती है, बेस कहाँ पर होती है हमारी, पोस्टीरियर सरफेस में, डायरेक्टेड बैकवर्ड्स मतलब पीछे की ओर होती है ये। अपेक्स देखो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड्स टू लेफ्ट, हमारा अपेक्स जो होता है डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की ओर होता है, और थोड़ा फॉरवर्ड्स होता है आगे, और थोड़ा लेफ्ट में होता है। स्टर्नोकोस्टल सरफेस होती है, इसकी सरफेस की बात करें तो स्टर्नोकोस्टल सरफेस ये एंटीरियर में होती है, एंटीरियर हमारी स्टर्नोकोस्टल सरफेस होती है। डायफ्रामेटिक सरफेस इन्फीरियर नीचे से होती है, पल्मोनरी सरफेस लेफ्ट लेटरल होती है, मतलब लेटरल साइड से हमारा पल्मोनरी सरफेस होती है, क्योंकि वहाँ पर लंग्स होते हैं, तो इसी तरह लेफ्ट साइड में हमारे पल्मोनरी सरफेस होती है। इसी तरह बॉर्डर की बात करें तो चार बॉर्डर होते हैं, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, सुपीरियर और इन्फीरियर, चार बॉर्डर होते हैं, लेफ्ट राइट सुपीरियर इन्फीरियर, लेफ्ट राइट सुपीरियर इन्फीरियर, लेफ्ट राइट सुपीरियर इन्फीरियर। अरे इसे पढ़ा करो, मज़े करिए करो यार, पढ़ेंगे यार, पढ़ना है, पढ़ने के लिए आए। बेस, अब हम बेस देखते हैं, बेस कहाँ से होती है हमारी, पोस्टीरियर होती है, पोस्टीरियरली हमारी बेस होती है, मेनली फॉर्मड बाई लेफ्ट एट्रियम, ज़्यादातर इसमें लेफ्ट एट्रियम होता है, मतलब ज़्यादातर हिस्सा किसका बना होता है हमारे बेस का, ज़्यादा क्या सारा हिस्सा इससे बना था, लेफ्ट एट्रियम बनाती है हमारी बेस, कौन, लेफ्ट एट्रियम हमारी बेस बनाती है, लेफ्ट एट्रियम। हार्ट डोंट रेस्ट ऑन बेस, हार्ट बेस पे रेस्ट नहीं करता, हमें ऐसे याद रखा होता है, बेस मतलब यहाँ पर बंदा बैठता है, अरे नहीं यार, बेस मतलब बेस कुछ भी, बेस जो हार्ट की होती है, हार्ट उस पर रेस्ट नहीं करता, उस पर नहीं बैठता यार, हार्ट बेस पे नहीं रहता, क्योंकि बेस इसके पीछे होती है, कहाँ बैठेगा पीछे यार, बैठना नीचे होता है। चलो इसके बाद एपेक्स की बात करें, एपेक्स क्या होता है, ब्लंट एपेक्स होता है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, एपेक्स हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल बनाता है, जो कि नीचे होता है, मैंने आपको दिखाया था, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। अच्छा पोस्टीरियर टू फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है ना लेफ्ट साइड में, तो उसके पीछे होता है, जस्ट लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के पीछे, इन एडल्ट्स, एडल्ट्स की बात करें, या मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन जो होती है उसके मीडियल में होता है। इसी तरह पॉइंट ऑफ मैक्सिमल पल्पेशन, यहाँ पर हमारी ज़्यादातर पल्पेशन होती रहती है, मतलब हाथ रखो ना वहाँ पर तो लगता है दिल धड़क रहा है, जब हम वो क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना हार्ट साउंड सुनने के लिए, तो वहाँ पर भी लगाते हैं, कहाँ पर, हमारे जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है ना लेफ्ट लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पर हम अपना स्टेथोस्कोप लगाते हैं और हार्ट की साउंड सुनते हैं, तो वहाँ पर मैक्सिमल पल्पेशन आती है। सरफेसेस की बात करें, सरफेसेस बात करें तो स्टर्नोकोस्टल सरफेस, स्टर्नोकोस्टल सरफेस क्या होती है, एंटीरियरली होती है,
मेनली फाउंड बाय राइट वेंट्रिकल। ज़्यादातर किसने बनाई होती है? राइट वेंट्रिकल ने, लेकिन इसके साथ में होते हैं जो पार्टली थोड़ा बनाते हैं, राइट एट्रियम भी थोड़ा बनाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी थोड़ा बनाता है और लेफ्ट एरिकल भी थोड़ा बनाते हैं। ये तीन आधा आधा बनाते हैं, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है ये ज़्यादा हिस्सा बनाता है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम इज़ नॉट सीन एज इट इज़ कवर्ड बाय आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक। जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये हमें बाहर से ऐसे दिखता ही नहीं है, हार्ट में, हार्ट जब देखते हैं ना वो दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको कवर किया होता है आयोटा ने और पल्मोनरी ट्रंक ने। इसी तरह दूसरी जो सरफेस होती है डायफ्रामेटिक सरफेस होती है, जो इन्फीरियरली होती है, डायफ्रामेटिक सरफेस इन्फीरियरली होती है, फॉर्मड बाय बोथ वेंट्रिकल्स मेनली लेफ्ट वन। ज़्यादातर लेफ्ट वन बनाता है क्योंकि ये मेजर होता है वेंट्रिकल, यार असल में काम ये करता है पूरे बॉडी को, ये ब्लड भेजता है सिवाय लंग्स के, लंग्स को भी भेजता है लेकिन ब्लड सप्लाई असल में जो वहाँ पर ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जाता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल भेजता है, राइट वेंट्रिकल भेजता है सॉरी। तो कहाँ पर ये होता है ज़्यादातर, कौन बनाता है हमारा वेंट्रिकल? मेनली लेफ्ट वन, मतलब दोनों वेंट्रिकल बनाते हैं लेकिन ज़्यादातर लेफ्ट वाला बनाता है। रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम पे होता है। पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव होता है, इसके पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिक्यूलर ग्रूव होता है जो कि डिवाइड करता है इस सरफेस को कितने, राइट वन थर्ड और लेफ्ट टू थर्ड में, राइट वन थर्ड और लेफ्ट टू थर्ड में। मतलब जो राइट वाला होता है वो कम ही होता है वन थर्ड, और जो राइट वाला होता है वो ज़्यादा होता है, राइट वाला कम होता है वन थर्ड, लेफ्ट वाला ज़्यादा होता है टू थर्ड यार ज़्यादा होता है। इसके बाद हम देखेंगे पल्मोनरी और लेटरल सरफेस या लेफ्ट सरफेस जिसे हम कहते हैं, ये किसका बना होता है? फॉर्मड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, फॉर्मड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बनाते हैं इसको। ऑक्यूपाइज कॉर्डिक नोच ऑफ लेफ्ट लंग, जो कॉर्डिक नोच होता है ना, पता है कॉर्डिक नोच क्या होता है? पता होगी तुम लोगों को यार, कॉर्डिक नोच है और जो हार्ट का एपेक्स होता है ना वो लंग्स में घुसा हुआ होता है, लंग्स में घुसा हुआ होता है, वहाँ पर एक नोच बनाता है एपेक्स हार्ट का, तो उसी को हम कार्डिक नोच कहते हैं, लेफ्ट लंग पे होता है वो। इसी तरह बॉर्डर की बात करें, जो राइट बॉर्डर होता है, राइट बॉर्डर किसका बना हुआ होता है उसकी अगर हम बात करें, राइट बॉर्डर जो बना हुआ होता है ये राइट एट्रियम का बना हुआ होता है, राइट बॉर्डर राइट एट्रियम। लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर मेनली फॉर्मड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, मेनली फॉर्मड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल बट पार्टली बाय लेफ्ट एरिकल, लेफ्ट एरिकल भी थोड़ा बहुत बनाता है। इसी तरह इन्फीरियर बॉर्डर, नीचे वाला जो बॉर्डर होता है, मेनली बाय राइट वेंट्रिकल बट पार्टली बाय, मेनली बाय राइट वेंट्रिकल, ज़्यादातर राइट वेंट्रिकल बनाता है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में भी थोड़ा होता है। तो सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर वाला होता है वो कौन बनाता है? जो ऊपर वाला बॉर्डर होता है वहाँ से ग्रेट वेसल्स एंटर होती है, पाथ फॉर ग्रेट वेसल्स, बना किससे होता है वो? बोथ एट्रिया से, बट मेनली लेफ्ट, लेफ्ट वाला ज़्यादा बनाता है। तो इसके बाद, तो गाइस इसके बाद हम बात करेंगे अब जो हमारे ग्रूज होते हैं, ग्रूज और सल्क है जिन्हें हम कहते हैं, ग्रूज और सल्क है। एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाई सर्क्यूलर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव और कॉरोनरी सल्कस। जो एट्रिया होते हैं ना, एट्रिया सेपरेट होता है वेंट्रिकल से, इसे वेंट्रिकल से बाहर से मैं बता रहा हूँ यार, ये बाहर से एक मतलब लाइन जैसी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, या उसे कहते हैं कॉरोनरी सल्कस, कॉरोनरी सल्कस भी कहते हैं उसे, कॉरोनरी सल्कस भी। कॉर्नेरी सल्कस क्या होता है? कॉर्नेरी सल्कस इज ओवरलैप्ड एंटीरियरली बाय असेंडिंग आयोटा। जो असेंडिंग आयोटा होता है वो और पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आयोटा और जो पल्मोनरी आयोटा होता है, असेंडिंग आयोटा होता है और पल्मोनरी ट्रंक होता है, इनके ऊपर से ये ग्रू जैसा बना होता है कॉर्नेरी सल्कस। अच्छा, इसी तरह इंटर एट्रियल ग्रू, इंटर एट्रियल ग्रू इज फेंटली विजिबल। जो इंटर एट्रियल ग्रू होता है ना, मतलब जो एट्रिया के दरमियान होता है वो मतलब उतना ज़्यादा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो पोस्टीरियरली होता है, एंटीरियरली इट इज़ मतलब पोस्टीरियरली थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन एंटीरियरली नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हिडन होता है बाय आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक के पीछे, दिखता ही नहीं है पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा की वजह से, पीछे से थोड़ा बहुत दिखता है आगे से दिखता ही नहीं है, ये होता है इसका असल मतलब। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट के वेंट्रिकल की बात करेंगे, एट्रिया की बात करेंगे। तो गाइज आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्ट द वीडियो, थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।